हाँ पापा, ककाड़ बढ़िया आ रहे हैं। ककाड़ हाँ वो लाए मन झाल रात कर सकते हैं। हाँ और ये युवराज सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दरवान भरेवाल। तो गाइस कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मेरा यूवी है, अभी मैं घर पर पहुंचा हूं और अभी टाइम हो चुका, कितना हुआ यूवी टाइम, 12 बज चुका है शायद। और सभी को प्यार भरा नमस्कार बोलो। हेलो गाइस बोलो। कैसे हो बोलो, आई होप अच्छे होंगे बोलो। मैं भी एकदम मस्त हूँ बोलो, मस्त हूँ बोलो। मेरे पापा आ गए आज गाँव बोलो। ये कौन है पापा, पापा आ चुके हैं बोलो। तो गाइस कैसे हो बोलो। हेलो गाइस बोलो। तो यूवी के साथ अभी मैं बैठा हूँ आंगन पर और हमारी मम्मी भी हैं, सिस्टर भी हैं और हमारा मंको भी हीरो बन के आ रखा है मुझे मिलने के लिए। और मंको हंस रहा है लेकिन अभी देखो, अभी दिखाऊंगा उसकी एक्टिविटी है कि नहीं यूवी। तो गाइस कैसे हो बोलो, नमस्कार बोलो, सभी को नमस्कार बोलो, नमस्कार बोलो। तो गाइस अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा गांव का और इस तरह से हरियाली हमारे गांव में हो रखी है और खेतीबाड़ी भी अच्छी हो रखी है इस टाइम पर और खीरा भी लगी रखा है, ककड़ी जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में। और दिखाते हैं आगे ब्लॉग पर, बने रही हमारे और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बोलो। तो गाइस यूवी ना अभी भूल गया, थोड़ी थोड़ी लग गई बस। गाइस इस तरह से मक्के की खेती हो रही है हल्के फुल्के घर में और बाकी तो कटाई, मंडुआ की कटाई हो चुकी है पूरे खेत पर और सामने से पहाड़ है और झुनी खल झुनी दिखाई दे रहा गाइस। ये सामने उधर खलपट्टा है और आगे कौन सा गाँव है मनसा, खलझुनी है ना, खलझुनी उस साइड है, वो सामने कोतला है और इस तरह से उस साइड को मेरे ससुराल लगाए देख सकते हैं। इस पहाड़ के पीछे गाड़ी से जाना होता, काफ़ी दूर है। मेरा यूवी है, छोटा सा किड है और ये वाइफ है मनीषा। कुछ बोलोगे हैं, कुछ बोलो, नहीं बोल रहे हाँ तो नहीं बोल रहे हैं अभी। और यूवी, यूवी तो हीरो है बोलेगा, यूवी कुछ बोलो। मंगू दादा के साथ चलो, ये हमारे भांजे हैं, छोटे से भांजे। तो गाइस हमारी मम्मी हैं सामने से और इसके कई हैं, क्या कौन सा नहीं, दुआ सलाम के लिए बात बतका। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूवी को तो इसी तरह से प्यार मिलता रहता है सारी जगह से गाइस। और हमारी मम्मी की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार ना इस बार। और इस तरह से हम अभी थोड़े से अब बैठे हैं आंगन पर। ये मड्डुए का लास्ट जो क्वालिटी रहता है वो बचा हुआ है और बाकी ऑलरेडी तैयार करके रख चुकी है मम्मी, खाने के लिए रखा गाइस। और ये मड्डुआ बोलते हैं इसको, देख सकते हो इस तरह से होता है, सुखाने के लिए डाल रखा गाइस। भट के दाने होते हैं, ये नेचुरली घर में होता है। हाँ इस तरह से नेचुरली घर का जो हरी सब्जी होती है, ये मिर्ची है और ये सारा पालक हो रखा गाइस। इस तरह से काफ़ी अच्छा मेहनत से कर रखी मम्मी हमारे खेतीबाड़ी। ऐसे घूम रहा अभी, टहल रहा आंगन पर गाइस। वो है करेला, आप तो जानते ही होंगे गांव में करेला होता है, ये काफ़ी ज़्यादा करेला भी हो रखा है इस टाइम पर। और सामने से मूली के पत्तियां भी दिखाई दे रहे हैं, मूली भी हो रखे हैं। और बाकी मडुआ जो इस खेत में हो रखा था सारा कटाई कर चुकी है मम्मी। और ये टमाटर भी हो रखा गाइस, टमाटर छोटे छोटे लग रखे हैं अभी हरे भरे। और सामने से फूल पत्तियां और तुलसी का पौधा है, ये सारा आंगन पर कर रखी है मम्मी। और तो गाइस ये है सामने से आड़ू का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है और ये सामने से फूल पत्तियां हैं और ये
ककड़ी भी लग रखा गाइस, ये सामने से देख सकते हो इस तरह से, बस सामने से ककड़ी भी काफी बड़े बड़े हो रखे हैं गाइस। और टमाटर का प्लांट जो कि छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं ये आंगन पर, और इस तरह से पेड़ पौधे हैं गाइस आंगन पर मेरे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरियाली छा रखी है, और मैं काफ़ी दिनों के बाद भी आ रखा हूँ घर में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। अभी ककड़ियाँ के फूल भी लगे हैं, ककड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लगेंगे शायद, और मुझे लगता है रात को चोरी करने के लिए आए होंगे कोई, तो तोड़ ताड़ भी रखा है, पता नहीं चला, नहीं तो फिर देखते। तो ये है आड़ू का पेड़ और काफ़ी बड़ा है, और सामने से ज़्यादा भारी होने से टूट भी चुका है, जो कि आगे बरंडे पर टच कर रहा है। तो इस तरह से करेले भी हो रखे हैं गाइस, ये देख सकते हो, करेला जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में। और बाकी ये हमारा इस तरह से सारे खेती बाड़ी करके मम्मी, और काफ़ी ज़्यादा साग सब्जी हो रखा है। अब कुछ दिन घर रहूँगा तो आराम से खाते रहूँगा गाइस, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आ रखा हूँ। मक्का काफ़ी ज़्यादा हो रखा है इस टाइम पर, देख सकते हो, ये कहीं मक्का बो रखे मम्मी मनसा, और कहीं कुछ कहीं कुछ पेड़ पौधे काफ़ी इस तरह से। करेला तो बहुत ज़्यादा हो रखा गाइस, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसे बहुत गाड़ियों निकल जाएगा। तो गाइस अभी मैं युवी के साथ हूँ, बहुत हैप्पी है मेरा युवी, और हाँ तो अभी रूम पर बैठे हैं, और सारा ब्लॉग हम कंटिन्यूअली करते रहेंगे, शाम तक एक ब्लॉग आप लोगों को शेयर करूंगा। अभी गांव में काफी अच्छा लग रहा है, और सुकून है अपने घर में, तो जो आनंद है वो कहीं नहीं है गाइस। युवी युवी हाय बोलो, गाइस बोलो, तो युवी गाड़ी इस तरह से चला रहा गाइस, और काफी सुकून लग रहा है, और दो तीन दिन के बाद ट्रेवल करने के बाद अभी मैं घर पहुंचा हूं। और गाइस अभी दिन के 1 बज चुके हैं, और अभी लंच की तैयारी हो रही, और हमारा मंकू तो अभी टहल रहा सामने से। मंकू को याद आ रहा, मंकू इधर देखो मामू, इधर आओ गाइस, अच्छा लग रहा। और ये भी मेरे बुंटू इस तरह से अभी आंगन पर बैठे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा। और तो गाइस इस तरह से दिन का व्यूज लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा, सो ब्यूटीफुल। इस तरह से आंगन पर सारी चीज़ें सुखाने के लिए डाल रखा है मम्मी, और ये सब भट है और मडवा है, सारी चीज़ें हैं गाइस देख सकते हो। और फिर इसको सूखने के बाद इसका कुटाई होगा, तब निकलेगा गाइस इसका बीज। पहाड़ में भट की दाल और जो भी भट के आइटम बनते हैं गाइस बहुत फेमस है। अभी सूख रहा, फिर निकलेगा इसका बीज, और इस तरह से काफ़ी अच्छा पहाड़ का लग रहा है इस समय, काफ़ी अच्छा व्यूज लग रहा गाइस। गाइस यू भी अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, और घूम रहा है इस तरह से, और यू भी इस तरह से खिलौने के साथ खेल रहा। और यू भी क्या कर रहे हो बाबू, खेल रहे हो, हाँ काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हो, हाँ ये गुड्डा के साथ खेल रहे हो, हाँ। तो गाइस यू भी तो इसी तरह से खेलते रहता है 24 घंटे, और काफ़ी हैप्पी भी रहता है कि नहीं यूवी, हाय बोल दो, हेलो बोल दो, अभी मैं मस्त हूँ बोलो। ये देखो क्या क्या करता रहेगा गाइस, जूस पिएगा जूस पी रहे हो, चलो ठीक है, पीते रहो और डांस करते रहो, हाँ और कुछ काम धाम तो है नहीं, है कि नहीं यूवी, हाँ हाँ तो बैठ जाओ ना, तुम बैठो, हाँ हाँ चलो बैठो फिर। यू भी तो जूस पिए जा रहा, और मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहा ना यू भी, अभी बोल रहा पापा मेरे साथ खेलो, क्योंकि 5-6 महीने के बाद मिला है, तो यू भी को लग रहा कि फिर कहीं पापा चला जाएगा। मैं बोला कि कुछ दिन रहूँगा, और ये हो बाबू जूस पी लिए हो, हाँ। कितना पिए हो, सब
सारा पी लिया हुआ। तो गाइज अभी यूवी सारा जूस पी लिया बोला, और मैं यूवी के साथ बहुत हैप्पी हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं यूवी। गाइज अब निकलते हैं हम बाहर, और काफ़ी टाइम बैठ गए रूम पर। काफ़ी हरियाली हो रखी है, यही मेरा गाँव है, और इस तरह से पेड़ पौधे और सामने से खेती हो रखी है, अलग अलग फसल लगाई जी। और ये भांग की खेती है शायद, मुझे लग रहा है यूबी को पता है तो यूबी बता रहा। नमस्ते ले चल। काफ़ी ज़्यादा काम भी है गांव घरों में, सब अपने अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं गाइस। और ये हमारा पूरा गांव है, पूरा गांव नहीं दिख पा रहा लेकिन कोशिश करूँगा। ये घास का लूटा है, इस तरह से घास का पुल्ला बना के लूटा बनाया जाता है हमारे पहाड़ में। उत्तराखंड के पहाड़ के परंपरा के हिसाब से यहाँ पहले कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद सुखाने के बाद फिर इस तरह से लूटा लगाया जाता है, जो कि मेरी वाइफ लगा रखी होगी गाई जी। और इस तरह से गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, और ये सामने से हमारा घर है, और ऊपर से यहाँ इंटर कॉलेज है गाई जी, सामने इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल वहीं सब है। और अभी नीचे का गांव भी है गाइस काफ़ी बड़ा, और सामने से नीर नंगेला की तरफ रूट जा रहे, वो नहीं कटाई हो रही। तो गाइस ये है मेरा पूरा गांव, और ऑल टोटल मेरा गांव है ये इस तरह से। और ऊपर चुल्ठा माता का मंदिर है टॉप में, वहाँ नवरात्रा में जाते हैं गाइस। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही गाइस इस टाइम पर, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फसल भी अभी ख़राब हो रही होगी शायद, सुखाने में और हर चीज़ में दिक्कत हो रही गाइस। गाइस फाइनली मेरा पूरा गांव कब्जा नहीं हो रहा कैमरे पर, और जितना हो रहा ये मैं दिखा रहा हूँ सामने से, झूनी खलझुनी नीर नंगेला ये सब पड़ता है गाइस। और तो गाइस अभी खेतों पर आ रखा हूँ, और इस तरह से हरियाली हो रखी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने यूवी के साथ। और हम बैठे हैं अपने घर के नीचे, जस्ट बगल में बैठे हैं, और काफ़ी हरियाली हो रखी है, फसल कटाई ऑल टोटल हो रखी है अपने उत्तराखंड में। और कुछ बोलो अपने दर्शकों को, नमस्ते बोल दो यार, बोल दो। तो गाइज अभी यूवी ना धूप से अभी मुझे लग रहा है बोरियत हो रही होगी इसको, काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो रहा होगा, है कि नहीं यूवी। और हम जस्ट अपने आंगन के नीचे बैठे हैं, अपने खेत पर बैठे हैं, और सामने से गाल घास का पुल्ला आ गाइस, घास कटाई करके सुखाने के लिए डाल रखे हैं, इसका भी उसी तरह से लूटा लगाया जाएगा, और गाँव की भाषा में लूटा ही बोलते हैं गाइस। और इस तरह से अपने गाँव का एरिया है, काफ़ी सुकून जगह है। और आपको कैसा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं पापा के साथ? हैं कितने दिनों के बाद आए पापा? कितने दिनों के बाद आए हैं पापा? हाँ तो गाइज मैं अभी 5-6 महीने के बाद आया हूँ, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, 5-6 महीने के बाद आ गया हूँ। और तो अब अपने गाँव का जो भी लाइफ स्टाइल होता है हर न्यू ब्लॉग पर शो करते रहूँगा, और दिखाते रहूँगा आप लोगों को, बस प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। क्यों यूवी हैं, प्यार और सपोर्ट बहुत चाहिए ना? हाँ तो गाइस प्यार और सपोर्ट दीजिएगा अपने उत्तराखंडी भाई को, और सपोर्ट कीजिएगा। है बिच्छू घास, और जो कि इसका साग भी बनता पहाड़ी स्टाइल में बनाया जाता है, वो आप लोगों को भी पता होगा। इस तरह से बिच्छू घास बहुत ज़्यादा हो रखा है गाँव में, बोलते हैं इसको सुसुण, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है हरियाली, और इसका साग भी बहुत अच्छा होता गाइस। और ये सामने से अखरोट का पेड़ है, और बाकी पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं गाइस, पीछे देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर भी मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा एरिया है इस साइड को। तो गाइस ये बांस की लकड़ी भी तैयार करके रखे हैं मम्मी लोग और वाइफ लोग, क्योंकि सर्दी में यही जलाया जाता है। और इस तरह से मूल के पत्ते, हाँ टमाटर भी लगा है यूवी बता रहा गाइस। और मैं रूम के लिए तैयार हो रहे हैं कि इतना यूवी, यूवी इधर देखो,
पुदीना का प्लांट है सारी जगह हमारा आंगन पर, और छोटे छोटे हरियाली सब्जी हो रखी है यहाँ पे। भी मूली दिखा रहा, कहाँ से लाया भाई ये मूली? तो गाइस अम्मा लेके आए बोला, और इस तरह से घर में काफी बड़े बड़े मूली भी हो रखे हैं, और ये देख सकते हो ये भी पकड़ रखा है। और अभी मैं आंगन पर बैठा हूँ, इस तरह से पेड़ पौधे हरियाली है गाइस अपने पहाड़ में, तो और ऐसे नेचुरल लुक में तो अलग ही मजा आता है कि नहीं योगी? और कमो भी नहीं आ रहे हमारे पास, और मंगो इधर आ जाओ, देख सकते हो गाइस अपने पहाड़ की वादियों को और हरियाली के साथ। तो पीछे से पहाड़ है, मेरे घर के आंगन के पीछे इतना अच्छा पहाड़ है गाइस। ये पहाड़ का नाम तो आपको पता ही होगा, सामने से इधर आओ तब दिखाओ। तो गाइस इस तरह से मक्का भी तोड़ के लाई हमारी मम्मी आज, काफी ज्यादा हो रखा, अब खाने वाले तो कोई है नहीं। ऑफकोर्स आप लोगों को भी खाना हो तो आइएगा, वेलकम है मेरे घर पर। और बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये हमारे सिस्टर हैं, और सिस्टर को देना पड़ेगा, घर लेके जाएगी यहाँ से, और पके पके हैं और काफ़ी अच्छा हो रखा है। यू भी खुश है इन चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा हो रखा है अभी हमारे पास। तो गाइस शायद सिस्टर को भी पसंद आ रहा छांट रही घर ले जाने के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ सारा ही लेके जा, क्योंकि काफी ज्यादा हो रखा है कि नहीं कमो? आपके घर में कितना खेती बाड़ी होता है इसी तरह से? तो बंदर रहने देते तो बंदर को मारा करो ना। क्यों मंको इधर आओ मामू, इधर आओ, मामू के साथ बात नहीं करोगे? कमो कितने दिनों के बाद आ रखे हो अभी? तो गाइस 2 महीने के बाद आ रखी है मेरे सिस्टर, और ऑलरेडी दिल्ली थे, दिल्ली से फिर यहाँ आ रखी है, घर आने के बाद फिर यहाँ आ रखी है कि नहीं कमो? ये हमारा मंकू है, बहुत शर्मिंदा है। मंकू अभी इधर आओ, फिर पापा को वीडियो भेज दूंगा, ये देखो पापा क्या बोल रहे थे फोन पर, क्या बोल रहे थे मामू? अच्छा मैं खुद ही बनाऊंगा बोला है पापा, क्या बोल रहे थे? हाँ तो गाइस मंगू शायद काफी ज्यादा यहाँ आके शर्मिंदा बन जाता है, लेकिन ऐसा है ना घर पर तो बहुत खोखार है वो, ये देखो गुस्सा भी आ रहा, और यू भी तो है ही है, ये सामने से बैठे हैं, और मंगू आ नहीं रहा हमारे सामने, अब 1-2 दिन थोड़ा साथ रहेंगे तो फिर आएगा है कि नहीं कमू? और यहाँ का मौसम कैसा लगा? ये देखो डॉगी भी काफी बड़े बड़े आ रहे हैं गाइस, कुत्ता मैं भी ले जाती हूं। हाँ एक बड़ा डॉगी सिस्टर को भी दे देंगे, क्यों यू भी? हाँ दे देंगे, तो मैं भी नहीं पकड़ूंगा वो खाता। हाँ तो मंकू तो हमारे साथ आ भी नहीं रहा है, इस तरह से बैठा हुआ है, ये देखो ये देखो, और कमो तो सामने बैठे है, मंकू भी है। हाँ दिखा दे, हाँ चलो देख लो, ये देखो गाइस जी हमारी मम्मी मक्का निकाल रही, तोड़ी काफी ज्यादा हो रहा है इसीलिए, और एक कती को गए हमारे पास ग्वाग कती हो मतलब बहुत ज्यादा ना ये पर, अच्छा कोई खानी से ना हो पा, अब कहीं दान कर देने को और भेज देने को, और कहीं लिख ना पर कम थोड़ा बहुत कम उगता है और उगता है जुले होना सब दे देने को, क्योंकि काफी ज्यादा हुए रही, टूट टूट बेर बहुत खराब ले हुए ये। हाँ ये मैं सो दीदी को हूँ, और कब ज्यादा ले हुए गो, और इस तरह से गाइस हमारे मम्मी जी बहुत खेती बाड़ी कर रखे हैं, और काफी ज्यादा मेहनती हैं, अभी तक पाँव में दिक्कत है तब भी करते रहते हैं, ये लाइफ है हमारे पहाड़ में। हाँ गाइस अभी मक्का काफी ज्यादा हो रहा, तो आप लोग भी आइएगा, वेलकम है हमारे घर पर है कि नहीं? तो गाइज अभी मक्के का तोड़ाई कर रहे हैं मम्मी इस तरह से, तो तोड़ के बेर क्या क्या दे ले ये? सबको बांटेंगे। किस किस को? बच्चों को, लड़की को, लड़का को, और नाती को। हाँ तो गाइज फाइनली पूरा एक डॉग कॉर्नर ना ही यहाँ गर्भाशा में, तो इस तरह से इसमें काफी ज्यादा भर रखा है, और ये सामने से तोड़ तोड़ के मम्मी रख रहे हैं, फिर आगे को
जिस किसी को चाहिए होगा उसको देते रहेंगे, और सिस्टर भी लेके जाएंगे, और सामने से यू भी पानी लेके आएगा या अम्मा के लिए। अम्मा का दो एक गिलास पानी, हाँ अम्मा को दो फिर पानी। हाँ और आज के बात बत कहो कमू मंगो, तुम पापा को क्या बोलोगे? अपने पापा को कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ कुछ बोलना चाहते हो अपने पापा के लिए? पापा क्या बोल रहे थे सुबह? हाँ क्या ले आऊँगा बोल रहे थे? कुछ नहीं। हाँ क्या बोल रहे थे? क्रीम आइसक्रीम। अच्छा अच्छा गाड़ी ले आऊंगा बोल रहे थे? अच्छा सामान उतारने वाला। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। इसी तरह से हमारे ब्लॉग पर बने रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट डे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय ऑल टोटल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।